एज़ेकिल और यूहन्ना दोनों के मुंह में परमेश्वर ने अपने वचन डाले हैं, मगर दोनों के टाइम पीरियड के लिए अलग अलग है, क्योंकि जो वचन एज़ेकिल के मुंह में डाला गया है वो वचन जो है वो इसराइलियों के लिए डाला गया है, और जो यूहन्ना के मुंह में डाला जा रहा है वो जो है वो इस समय के लोगों के लिए। किन के लिए? प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह। प्रभु आप सबको बधाई से आशीष दे, आमीन। हम बात कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के बारे में। प्रकाशित वाक्य के इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। प्रकाशित वाक्य के 7 खंडों में से हम 4 खंड में हैं, परमेश्वर का न्याय और 7 तुरहियों का परिचय। पिछले संदेश में हमने सीखा था प्रकाशित वाक्य 10 अध्याय उसके 5 पद से लेकर 7 पद तक। आज हम सीखेंगे प्रकाशित वाक्य 10 अध्याय उसके 8 पद से लेकर 11 पद तक के विषय में। प्रकाशित वाक्य 10 अध्याय 1 से 11 में जो है स्वर्गदूत और छोटी पुस्तक के बारे में वर्णन किया गया है। आइए हम इन पदों को पढ़ लेते हैं। प्रकाशित वाक्य 10 अध्याय उसका 8 से 11 पद तक यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जिस शब्द को मैंने स्वर्ग से बोलते हुए सुना था वह फिर मेरे साथ बातें करने लगा, जा जो स्वर्गदूत समुन्दर और पृथ्वी पर खड़ा है उसके हाथ में की खुली हुई पुस्तक ले ले। मैंने स्वर्गदूत के पास जाकर कहा, यह छोटी पुस्तक मुझे दे। उसने मुझसे कहा, ले इसे खा ले, ये तेरे पेट कड़वा तो करेगी पर तेरे मुंह में मधु सी मीठी लगेगी। अंत में मैं वह छोटी सी पुस्तक उस स्वर्गदूत के हाथ से लेकर खा गया। वे मेरे मुंह में मधु सी मीठी तो लगी, पर जब मैं उसे खा गया तो मेरा पेट कड़वा हो गया। तब मुझसे ये कहा गया, मुझे बहुत से लोगों और जातियों और भाषाओं और राजाओं के विषय में भविष्यवाणी करनी होगी। इस पुस्तक के बारे में जब हम बात करते हैं, परमेश्वर का वचन जो कह रहा, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो है दो स्वर्गदूत हैं। एक स्वर्गदूत के बारे में वर्णन नहीं है, परंतु एक स्वर्गदूत के बारे में वर्णन है जो शक्तिशाली है और जो यूहन्ना को दिखाई दे रहा है, जिसके बारे में बात हो रही है और वर्णन कर रहा है। परंतु एक स्वर्गदूत है जो यूहन्ना से बातें कर रहा है। यहां पर लिखा है, उस स्वर्गदूत ने यूहन्ना से कहा कि जा उस स्वर्गदूत के हाथ से उस छोटी पुस्तक को ले ले जो समुन्दर पर और पृथ्वी पर अपने पांव रख के खड़ा हुआ है, उससे जाकर जो है वो छोटी पुस्तक ले ले। एक छोटी और खुली हुई पुस्तक है। ऐसी ही एक पुस्तक जो है एज़ेकिल भविष्यवक्ता की पुस्तक को आप पढ़ेंगे तो वहां पर भी ऐसे ही पुस्तक का वर्णन किया गया है। यहां लिखा हुआ है एज़ेकिल 2 अध्याय उसका 8 और 9 पद है, परंतु हे मनुष्य के संतान, जो मैं तुझसे कहता हूं उसे सुन ले। उस विद्रोही घराने के समान तू भी विद्रोह ना बनना, जो मैं तुझे देता हूं उसे मुंह खोल कर खा ले। तब मैंने दृष्टि की और क्या देखा कि मेरी ओर एक हाथ बढ़ा हुआ है और उसमें एक पुस्तक है। यूहन्ना भी जो है वो यही चीज देख रहा है। यूहन्ना को भी एक पुस्तक दी जा रही है और उससे भी कहा जा रहा है कि खा ले। और यहां पर एज़ेकिल जो है वो भी यही देख रहा है, उसको एक हाथ दिखाई दे रहा है कि एक हाथ है और उसमें एक पुस्तक है और वो पुस्तक उसे दी जा रही है कि इसको जो है वो खा ले। परंतु एज़ेकिल को एक सख्त हिदायत दी जा रही है कि तू उस विद्रोही घराने के समान मत बनना। ये विद्रोही घराना किसको प्रकट करता है? इसराइलियों को। जी हाँ, इसराइली और यहूदियों को प्रकट करता है कि तू उस विद्रोही घराने के समान मत बनना, यहां कह रहा है। परंतु यहां जो एक वर्णन जो बात कही जा रही है, अब मैं इसका जो है प्रकाशित वाक्य 10 का 9 पद पढ़ रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। मैंने स्वर्गदूत के पास जाकर कहा, यह छोटी पुस्तक मुझे दे। उसने मुझसे कहा, ले इसे खा ले, ये तेरा पेट कड़वा तो करेगी पर तेरे मुंह में मधु सी मीठी लगेगी। कहता है ना, इसे खा ले। अब खाने की बात जो है एज़ेकिल में भी है और यहां पर यूहन्ना को जो पुस्तक दी जा रही कि इसे खा ले, ये तेरे मुंह में, जब तू इसे खाएगा ये मुंह में तो मीठी लगेगी परंतु तेरे पेट
जो है इससे कड़वा जाएगा। इस भेद को जानेंगे मगर पहले हम एजेकेल 3 और उसके 3 पद को पढ़ लेते हैं। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, ये पुस्तक जो मैं तुझे देता हूं उसे पचा ले और अपनी अतड़ियों को इससे भर ले। अतः मैंने उसे खा लिया और मेरे मुंह में वे मधु के तुल्य मीठी लगी। अब दोनों चीजें जो है, दोनों पुस्तक की बात जो है वो दी जा रही है। अब ये दोनों पुस्तक में जो कुछ भी लिखा या जो कुछ भी दिया जा रहा है या जो कुछ भी इन्होंने इन्हें सुनाया गया है, इन्हें दिया गया है या इनके मुंह में डाला गया है, इन दोनों में अलग अलग बातें हैं, ये ध्यान रखिएगा। चीज एक ही है, मुंह में मीठी लग रही है, अतड़ियों में पचा ले ये कड़वी लगेगी, पचाना मुश्किल हो जाएगा उन बातों को। परंतु यहां क्या है, यहां जरा ध्यान दीजिएगा, पुस्तक खाने का अर्थ समझ रहे। पुस्तक को खाने का अर्थ यह नहीं है कि उसे पुस्तक दी गई और उन लोगों ने, एजेकेल ने और यूहन्ना ने, दोनों ने सही में वो खा लिया, बल्कि परमेश्वर का वचन कहता है ये वचन जो है इस वचन को अपने मुंह में समा ले। जब ये वचन निकलेंगे, जब ये वचन पूरा होगा, जब आप कोई भी वचन बोलते हो, जब परमेश्वर के वचन से बोलते हो और वो वचन जब निकलता है आपके मुख से और वो पूरा होता है तो आप बड़े आनंदित होते हो। परंतु उस वचन के जो परिणाम होते हैं वो बहुत कड़वे होते हैं, जिसको पचाना बहुत मुश्किल होता है। और यहां वचन जो है, यहां वचन मुंह में खाने का मतलब क्या है, मुंह में डालने का मतलब क्या है, वो बताया जा रहा है व्यवस्था विवरण 30 अध्याय उसका 14 पद। परंतु ये वचन तेरे बहुत निकट वरन तेरे मुंह और मन ही में है ताकि तू इस पर चले। परमेश्वर ने अपना वचन एजेकेल यूहन्ना को क्या दे रहा है कि ये वचन जो मैं तेरे मुंह में डाल रहा हूं, तेरे मुंह में दिए हैं, मीठे लग रहे हैं, आनंदित, तुझे आनंद कर रहे हैं, आनंदित हो रहा है तू, क्योंकि वचन मैंने तेरे मुंह में डाले हैं इसलिए तू आनंदित हो रहा है। तू आनंदित तो हो, मगन तो होगा, परंतु उसकी सच्चाई जब प्रकट होगी तब तू जानेगा कि ये लोगों के लिए कितनी भयंकर बात है। यहां दूसरा वो सॉरी पहला राजा 17 अध्याय 24 पद है। स्त्री ने एलिया से कहा, अब मुझे निश्चय हो गया है कि तू परमेश्वर का जन है और यहोवा का जो वचन तेरे मुंह से निकलता है वे सच होता है। जी हाँ, क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने अपना वचन कहां डाला, मुंह में डाला है। चाहे वो एलिया भविष्यवक्ता हो, चाहे एलिशा भविष्यवक्ता हो, चाहे एजेकेल भविष्यवक्ता हो, चाहे यूहन्ना भविष्यवक्ता हो, कि उसने अपना वचन मुंह में दिया है, मुंह में डाला है। इसका मतलब यह है, कोई पुस्तक नहीं है कि ले खा ले, ये बाइबल नहीं है कि फाड़ फाड़ के खा रहे हैं तो वो जो है हमारे अंदर मीठी लग रही है और हमारे पेट में कड़वी लग रही है, ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने अपने वचन हमारे मुंह में डाले हैं और जो वचन परमेश्वर मुंह में डालता है और जब वो निकलते हैं तो इंसान आनंदित होता है। रोमियो 10:8 में क्या लिखा है, परंतु वे क्या कहती है, ये कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है, ये वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। यहां परमेश्वर का वचन है। अब यहां पौलुस भी कह रहा है कि परमेश्वर का वचन जो है हमारे निकट है, है? वरन हमारे मुंह में है, ये वो विश्वास का वचन है जो हमारे मुख से परमेश्वर निकलवाता है या निकालता है, जो परमेश्वर ने हमारे मुंह में डाले हैं। बहुत बड़ा भेद है जिसको समझना जो है बहुत जरूरी है। एजेकेल और यूहन्ना दोनों के मुंह में परमेश्वर ने अपने वचन डाले हैं, मगर दोनों के टाइम पीरियड के लिए अलग अलग है, क्योंकि जो वचन एजेकेल के मुंह में डाला गया है वो वचन जो है वो इसराइलियों के लिए डाला गया है और जो यूहन्ना के मुंह में डाला जा रहा है वो जो है वो इस समय के लोगों के लिए, किन के लिए है, चलिए मैं 10वां पद पढ़ देता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। प्रकाशित वाक्य 10:10, अतः मैं वह छोटी पुस्तक उस सरदूत के हाथ से लेकर खा गया, वे मेरे मुंह में मधु सी मीठी तो लगी पर मैं उसे खा गया तो मेरा पेट कड़वा हो गया। मेरा पेट कड़वा हो जाने का मतलब क्या है, एजेकेल 3:2-3 में पढ़ेंगे तो वहां पर भी यही है कि इसे अतड़ियों में पचाले, पचा नहीं पा रहा है, क्योंकि जो उसकी सच्चाई प्रकट हो रही है, जो बात, जो क्रोध परमेश्वर का प्रकट हो रहा है, जो विनाश इस दुनिया पे प्रकट हो रहा है या होने जा रहा है या परमेश्वर जो इस दुनिया के साथ करने जा रहा है उसको जो है वो पचा नहीं पा रहा है। आनंद तो है कि परमेश्वर ने अपना वचन मेरे मुंह में डाला है, परंतु उसके जो भयंकर परिणाम है
उनसे वो खौफजदा हो गए हैं, वो बड़े भयंकर हैं जो दिखाई दे रहे हैं, वो हजम नहीं हो रहे हैं उनको कि परमेश्वर जो प्रेमी परमेश्वर है, जो अनुग्रहकारी परमेश्वर है, जिसके प्रेम की बात, जिसके अनुग्रह की बात, जिसके करुणा की बात, जिसकी दया की बात करते हैं, क्या वो इतने भयंकर परिणाम उन मनुष्यों पर प्रकट कर सकता है? ये बात उनको हजम नहीं हो रही है। ये बात जो है ये बहुत ध्यान करने की बात है। कड़वी बातें जो हैं पेट कड़वा करेगी जो है, परमेश्वर का वचन जो वो प्रचार कर रहे हैं और लोग उस वचन को नहीं मानते हैं, नहीं सुनते हैं, उनके साथ जो है भयंकर परिणाम जो है वो क्या होने जा रहे हैं। मगर दोनों में जो फर्क है वो फर्क मैं आपको बताना चाहता हूँ। पुस्तक में क्या लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन जो है वो इस बात को बताता है। 11वां पद, इसका 11वां पद पहले मैं पढ़ रहा हूँ। यहाँ परमेश्वर का वचन क्या कहता है, प्रकाशित वाक्य 10:11। तब मुझसे ये कहा गया, तुझे बहुत से लोगों और जातियों और भाषाओं और राजाओं के विषय में फिर से भविष्यवाणी करनी होगी। फिर भविष्यवाणी करनी होगी, ध्यान दीजिएगा। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है यहां, यूहन्ना से क्या कह रहा है, तुझे जो है, अब यहां ध्यान देना बहुत, उससे जो है वो कहा गया कि तुझे बहुत से लोगों के बीच में जाकर, बहुत सी जातियों, बहुत से भाषा बोलने वाले, बहुत से जो राजा महाराजा हैं उनके बीच में जाकर फिर भविष्यवाणी करनी होगी। फिर भविष्यवाणी करने का मतलब कि परमेश्वर क्या कह रहा, फिर भविष्यवाणी करने का मतलब देखिए, जैसे एक उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, परमेश्वर ने योना नबी को नीनवे शहर भेजा क्या करने के लिए, कि नीनवे शहर में जाकर तू भविष्यवाणी कर कि मैं 40 दिनों में इस नीनवे शहर को उलटने पर हूं, यानी नाश करने पर हूं, इसको खत्म करने पर हूं और जितने लोग हैं उनको भी खत्म करने पर। अब वो गया, उसने ये भविष्यवाणी करी, अब कर वो आ गए। अब परमेश्वर ने देखा कि उस समय तो वो सुधर गए, मगर फिर उन्होंने वैसे ही अपना चाल चलन कर लिया, फिर उन्होंने वैसे ही कर लिया, फिर उसने किसी और नबी को भेजा कि जाकर नीनवे शहर में फिर से भविष्यवाणी कर कि मैं तुम्हें विनाश करने पर। यहां पर यही बात यूहन्ना से कही जा रही, भविष्यवक्ताओं के द्वारा उसने भविष्यवाणी तो करवाई सब जाति के लोगों पर, सब राजाओं के लोगों पर और सारे हर एक प्रकार के भाषा बोलने वालों पर कि यदि तुमने मन नहीं फिराया, यदि तुमने पश्चाताप नहीं किया, अपने पापों से नहीं फिरे, तो मैं तुम्हें नाश कर दूंगा, मैं तुम्हारे देश में मरी फैलाऊंगा। अब यहां योना से कह रहा फिर भविष्यवाणी कर इन सब बातों, कैसे परमेश्वर का वचन कहता है। चलिए मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, इज़ेकेल ये पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आप इस बात को समझ जाए कि उसमें क्या लिखा है। इज़ेकेल 2:10 पढ़ रहा हूं, उसको उसने मेरे सामने खोलकर फैलाया और वे दोनों ओर लिखी हुई थी और जो कुछ उसमें लिखा था वे विलाप और शोक और दुख भरे वचन थे। अब देखिए इज़ेकेल क्या देख रहा है, जो पुस्तक में लिखे हुए हैं वो विलाप ही विलाप है, यानी लोगों का रोना चीखना चिल्लाना जो है वो प्रकट होगा उस पुस्तक में लिखे, शोक यानी शोक से भरे होंगे, दुख मुसीबत जो है वो उनके ऊपर आएगी। और परमेश्वर कह रहा है वो दुख भरे वचन जो है उसके अंदर लिखे, विलाप भरे वचन जो है, शोक भरे वचन जो है वो उसके अंदर लिखे हुए हैं। 3:1 में क्या लिखा हुआ है, इज़ेकेल 3:1, तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, जो तुझे मिला है उसे खा ले, अर्थात इस पुस्तक को खा ले, तब जाकर इज़राइल के घराने से बात कर। जैसा मैंने कहा ना कि इज़ेकेल को जो पुस्तक दी गई है उसके अंदर जो शोक और विलाप और कलेश के वचन जो लिखे हुए हैं वो इज़राइल के घराने के लोगों के लिए लिखे हैं कि परमेश्वर इज़राइल के घराने के ऊपर कैसी विपत्ति डालने पर है कि वो रोते रहेंगे, विलखते रहेंगे, कलेश में रहेंगे, शोक में डूबे रहेंगे। और यही बात जो है परमेश्वर यूहन्ना से कह रहा है कि जाके फिर भविष्यवाणी कर उस कलेश, उस विलाप और उस क्रोध की, मेरे क्रोध की भविष्यवाणी कर कि मैं जो हूं इन सब पर डालने वाला हूं। वो सिर्फ इज़राइल के घराने के लोगों के लिए था, परंतु ये जो बात यूहन्ना कर रहा है, जो भविष्यवाणी कर रहा है,
दुख की, विलाप की जो भविष्यवाणियां हो रही हैं प्रकाशित वाक्य के अंदर, ये सारी जाति के लोगों के लिए है, ये सारी भाषा बोलने वालों के लिए है, ये हर एक छोटे और बड़े इंसान के लिए है जो परमेश्वर के विरोध में चलते हैं, जो परमेश्वर के वचन को नहीं मानते, जो पाप और बुराइयों में डूबे रहते हैं, ये उनके लिए। तो यहां पर जो है आपने इस भेद को देखा है प्रकाशित वाक्य, स्पेशली जो छठी तुरही फूकती है उसमें जो विपत्तियां हैं अभी और आने वाली जो हैं उसको रोककर परमेश्वर जो है स्पेशली जो है यूहन्ना को प्रकाशित वाक्य के 10 अध्याय में एक पुस्तक के बारे में दिखाता, वर्णन करता और बताता है, ये चीज है उसके अंदर एज़ेकेल के अंदर। अब वहां पर क्या है, सिर्फ एज़ेकेल इसराइल के घराने के लिए भविष्यवाणी नहीं है जो यूहन्ना अब कर रहा है, क्योंकि सब पृथ्वी के हर एक पृथ्वी पर निवास करने वाले लोगों के विरोध में है परमेश्वर का क्रोध जो है प्रकट होने वाला है। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस क्रोध से बचना चाहते हैं तो मन फिराइए, पश्चाताप करिए और अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में दीजिए, ताकि जो वचन उस छोटी पुस्तक में लिखे हुए हैं शोक और विलाप और क्रोध के और जो प्रॉब्लम्स के जो वचन लिखे हैं उनसे हम बच सकें। प्रभु आप सबको आशीष दे, आमीन।